गुजरात में बढ़ रहे वैसे जमीन घोटाले की जांच वर्तमान हाईकोर्ट के न्यायाधीश के बदले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रचना करने के साथ उन्हें सौंपा जाए, वैसी मांग करते हुए वडोदरा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मोर्चा निकालकर आवेदन पत्र दिया गया। गुजरात भर में बढ़ रहे वैसे जमीन घोटाले की जांच हाईकोर्ट के वर्तमान तथा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति के अध्यक्ष स्थान के बदले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रचना कर उन्हें जांच सौंपी जाए, वैसी मांग करते हुए वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा आज मुख्यमंत्री को संबोधित जिला कलेक्टर कचेरी में मोर्चा स्वरूप आवेदन पत्र दिया गया। गुजरात में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे वैसे नए घोटाले बाहर आ रहे हैं। पेपर लीक कांड, रोड रास्ते कार्य में भ्रष्टाचार, गोचर जमीन कांड वगैरह बाहर आने के बीच भ्रष्टाचार और भी बढ़ रहा है, तो वही दूसरी ओर यही भाजपा भ्रष्टाचार नाबूदी की गुलबांगे पुकार रही है। ऐसे में पिछले लंबे वक्त से विविध भ्रष्टाचार प्रकाश में आने के बीच पांचरा पोल की जमीन का 10,000 करोड़ का भी अधिक का घोटाला बाहर आया है, जिसमें भाजपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री महसूल मंत्री के नाम भी प्रकाश में आने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जो ये समग्र मामले की जाँच फिलहाल हाईकोर्ट के वर्तमान या तो फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रचना की जाए, वैसी मांग करते हुए आज आवेदन पत्र देने के साथ सूत्रोच्चार लगाए गए थे। आम आदमी पार्टी वडोदरा शहर ने जिला तरफ थी आज कलेक्टर श्री ने मुख्यमंत्री ने आवेदन पत्र आपवामां आव्युं छे। एनो मुख्य हेतु एटलो ज हतो के भारतीय जनता पार्टी नी सरकार एटले भ्रष्टाचारी सरकार, दरेक क्षेत्र पर भ्रष्टाचार थाय छे। आजे एमने गांधीनगर नो 2200 वीघा एटले के 10,000 करोड़ थी पण वधारे मोटी किंमत नी जमीनों जे गौचर अने खराबानी जे जमीन हती ए जमीन पांजरापोड़नी नामे आपवामां आवी 99 वर्ष माटे, अने पछी ए बारोबार आजे उद्योगपतिओने अने बिल्डरोने आपी देवामां आवी छे, त्यारे आनो सख्त अमे विरोध करीए छे। जे गौचर जमीनना नामे तमे गायना नामे जे मत मेळव्या हता, आजे ए ज गायोनी जमीनो तमने खराबानी जमीनो वेची दीधी छे, त्यारे अमारी आम आदमी पार्टी वडोदरा शहर अने जिल्लानी एक मांग छे के तमे हाईकोर्ट अने सुप्रीम कोर्टना निवृत्त जजनी अध्यक्षतामां एक SIT रचना करो अने एनी अंदर तात्कालिक असरथी जे पण भ्रष्टाचार थयो छे एने खुल्लो पाड़ी अने कड़कमां कड़क सजा थाय। कारण के आ भारतीय जनता पार्टीनी सरकारनी अंदर तमे जुओ तो मोटा मोटा कौभांडो थाय छे, परंतु एनी अंदर मोटा माठा छूटी जाय छे अने नानी नानी माछलीओ पकड़ाई जती होय छे। त्यारे अमारी मांग छे के आनी अंदर भले मुख्यमंत्री होय, नायब मुख्यमंत्री होय, मंत्री होय के संत्री होय, कोई पण होय के कोई सचिव होय, परंतु एना वगर आटलू मोटू कौभांड थतुं नथी, एटले अमारो सीधो आक्षेप छे के तमाम लोकोनी सामे फौजदारी केस दाखल थवो जोईए। विजय रूपाणीએ કહ્યું છે કે SK લાંગા મને બદનામ કરે છે એટલે મેં તપાસ એમની સામે નીકળી છે, શું કહેશો? સ્વાભાવિક છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ આવે છે ને એટલે દૂધનો ધોયેલો થઈ જાય છે, એટલે અમારે આ ભારતીય જનતા પાર્ટી આટલી મોટી તાનાશાહી કરે છે, તમે જુઓ કે રોડમાં ભ્રષ્ટાચાર, ડમી કાંડમાં ભ્રષ્ટાચાર, પેપર લીકમાં ભ્રષ્ટાચાર, તમામની અંદર તમે જુઓ કોઈ મંત્રીનું નામ નથી આવતું, કોઈ એવા મોટા માથાનું નામ નથી આવતું, નાની નાની માછલીઓને પકડવામાં આવે છે। અમારી સ્પષ્ટ આક્ષેપ છે કે આ વખતે એની નિષ્પક્ષ તપાસ થવી જોઈએ।